लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। मेरा सवेरे का स्वप्न झूठा नहीं हो सकता। लंकापति रावण अपनी करतूतों से ही सर्वनाश को आमंत्रण दे रहा है। तुम निश्चिंत रहो सीता, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे पति श्री राम तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। त्रिजटा, स्वप्न कभी सच नहीं होते। जब से रावण ने मुझे प्रसन्न करने का नया दांव चलाया है, तब से मेरा मन और भी व्याकुल होने लगा है। मेरे जीवन का एक एक दिन, एक एक पल काटना और भी कठिन होने लगा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं श्री राम? जय श्री राम। यदि ये श्री राम की ही माया है तो बार बार उनका नाम पुकार कर मुझे भ्रमित क्यों किया जा रहा है? कौन पुकार रहा है श्री राम का नाम? सामने क्यों नहीं आता? माता, श्री राम का दूत आपके लिए उनकी मुद्रिका लाया है, उनका संदेश लाया है। कहिए, जय श्री राम। श्री राम का दूत कौन है? सामने क्यों नहीं आता? छुपा क्यों है? माता, इस समय आप श्री राम की मुद्रिका देखकर अपना दुख और शोक शांत कीजिए। इस समय आप बहुत उद्विग्न हैं। बहुत हो गया ये मायावी खेल। मैं तुम्हारी माया में फंसने वाली नहीं हूँ। कौन है श्री राम का नाम लेने वाला मायावी? सामने आ। जय श्री राम। प्रणाम माता। वानर, तुम श्री राम के दूत हो? हाँ माता, मैं श्री राम का दूत भी हूँ और उनका चाकर भी। मेरा नाम हनुमान है। मैं समुद्र के उस पार से आपकी खोज में लंका आया हूँ। तुम श्री राम के दूत नहीं हो सकते। तुम रावण की राक्षसी माया को फैलाने वाले कोई मायावी हो। नहीं माता, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ। क्या उनकी मुद्रिका देखकर भी आपको विश्वास नहीं हुआ? रावण की माया इस लंका के कोने कोने में फैली है। उसकी माया दृष्टि को भ्रमित और मन को विचलित कर देती है। तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। अर्थात मेरा यहां आना व्यर्थ हो गया माता। मैंने श्री राम के चरणों की सौगंध खाई, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता। मायावी का कोई विश्वास नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। माता बताइए मैं क्या करूं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं ही श्री राम का सच्चा सेवक हूं। मैंने तो राम काज करने के लिए ही जन्म लिया है। आपको मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? माता, मैं सत्य कह रहा हूं। प्रभु श्री राम आपसे मिलने के लिए कितने आतुर हैं क्या आप नहीं जानती? और
और भ्राता लक्ष्मण भी उतने ही चिंतित हैं। भ्राता लक्ष्मण, तुम उनसे मिले हो? मैंने ही उनकी बात नहीं मानी और आज ये दिन देख रही हूँ। उन्हें भी इसी बात का दुख है माता कि उनके होते हुए आप पर यह विपत्ति आन पड़ी, परंतु अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है माता। वानर राज सुग्रीव की वानर सेना समुद्र के उस पार आपको छुड़ाने के लिए तैयार खड़ी है। वानर सेना? हाँ माता, मेरे ही समान देव वानरों की शक्तिशाली सेना लंका के उस पार समुद्र तट पर एकत्र हो चुकी है। श्री राम की सहायता के लिए आर्यव्रत के समस्त वानर एक हो चुके हैं। अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हुआ माता? माता, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी ये सारी बातें स्वप्न के समान असत्य प्रतीत हो रही है। मैं कैसे मान लूं कि कपटी रावण की माया मुझे भ्रमित नहीं कर रही है? जय श्री राम। नहीं माता नहीं, रावण की माया में मुझे लपेट कर प्रभु श्री राम की आज्ञा और मेरी भक्ति का अपमान ना कीजिए। हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? माता सीता के पास पहुंचा कर भी अविश्वास की एक रेखा खींच दी। अब मैं माता को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही आपका दूत हूं? आप ही मेरी सहायता कीजिए प्रभु, आप ही मुझे मार्ग दिखाइए, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु, एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैंने अयोध्या में प्रवेश करते ही एक प्रश्न पूछा था आपसे, आपने उस समय मुझे उसका उत्तर नहीं दिया था। उस प्रश्न का स्मरण है मुझे। तुम मुझसे पूछना चाहती थी कि संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय कौन है? हाँ हाँ प्रभु, अब दीजिए ना उस प्रश्न का उत्तर। हनुमान, तुम धन्य हो, तुमने ये मुद्रिका लाकर मेरी निराशा को आशा में बदल दिया है। न जाने तुमने कितने कष्ट उठाए होंगे लंका पहुंचने के लिए। नहीं माता नहीं, कष्ट कैसा, मैं तो स्वच्छंद पंछी की तरह उड़ता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। हनुमान जी, तुम कहीं छुप जाओ। माता, आप हनुमान को छुपने के लिए कह रही हैं? ठीक है माता, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, परंतु एक निवेदन है माता। जब से लंका पहुंचा हूं पर पेट भोजन नहीं किया, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन पेड़ों पर लगे मधुर फलों से अपनी भूख मिटा लो। ठीक है हनुमान, अब जाओ। जय श्री राम। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि राक्षस तुम्हें देख ना ले, ये कार्य चुपचाप करना। जो आज्ञा माता। आप किससे बात कर रही थी देवी? अपने आप से। भला यहाँ मुझसे बात करने वाला सिवा तुम्हारे और कौन है? नहीं, ये तुम्हारा स्वर नहीं था, तुम किसी पुरुष से बात कर रही थी, कौन था वो? कह रही हूँ ना, कोई नहीं था। मेरे कान मुझे धोखा नहीं दे सकते। देखा त्रिजटा, हम यहाँ से कुछ देर के लिए क्या गए, लंकापति के विरुद्ध षड्यंत्र होने लगा। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? मर गई मैं, किसने मारा मुझे? यहाँ तुझे कौन मारेगा सुभद्रा? पेड़ से फल गिरा और तुझे लगा, चल हट जाया से। पर फल तुझे क्यों नहीं लगा? अपना अपना भाग्य है सुभद्रा, कोई क्या कर सकता है। मर गई रे। हनुमान, ये हनुमान को